हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ आलू और सूजी मिला करके एक स्नैक बनाने जा रही हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, चलिए रेसिपी देखते हैं। यहाँ पे 2 टेबलस्पून तेल गरम किया है, फिर इसमें आधा छोटा चम्मच राई डाला है मैंने और आधा छोटा चम्मच जीरा। जब ये अच्छे से क्रैकल हो गया तो इसमें मैंने डाला है अदरक 1 इंच ग्रेट करके और 2 हरी मिर्च बिल्कुल बारीक काट करके, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाला है ताकि कलर अच्छे से आ जाए, हल्दी भी इसी वजह से डाला है, कलर बहुत अच्छा आएगा। इसमें मैंने हींग डाला है 2-3 चुटकी और यहाँ पे सूखी हुई करी के पत्ते लिए हैं सूखा हुआ, तो आप के पास अगर ग्रीन वाला हो वही लें। और इसे कुछ सेकेंड्स तक इसी तरह से फ्राई किया, फिर इसमें मैंने डाला है पानी। पानी मैंने 2-3 गिलास डाला है इसमें और जब इसमें थोड़ा सा उबाल आना शुरू हो गया, आप देख सकते हैं जैसा कि, तो फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दिया, फिर मैंने जब उबाल आ गया तो लो कर दिया, फिर एक बार इसे मिक्स किया इस तरह से और नमक भी डाला है मैंने इसमें। फिर इसमें सूजी 1 कप डाल रही हूँ और थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, साथ ही चलाते भी जा रही हूँ, तो इसी तरह से चलाइएगा आप और थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, नहीं तो इसमें लम्प्स पड़ सकता है। और अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं अच्छे से बिल्कुल भून रही हूँ ताकि बिल्कुल ये ड्राई हो जाए। और अभी देखिए अभी भी बहुत गीला है, अगर आपके पास नॉन स्टिक की कढ़ाई होगी तो बिल्कुल भी ये कढ़ाई से नहीं चिपकेगा, ये एल्यूमिनियम की कढ़ाई होने की वजह से थोड़ा सा चिपका हुआ दिख रहा है, लेकिन जब ये बिल्कुल कढ़ाई छोड़ने लगता है और एक जगह हो जाता है तो समझिए ये भुन चुका है और ये टाइट भी काफ़ी हो गया। तो यहाँ पे फ्लेम को मैंने अब यहाँ पे बंद करना ठीक समझा क्योंकि ये हो चुका था, फ्लेम बंद कर दिया है। और फिर इसमें थोड़ा ठंडा जब हो गया तो इसमें मैंने डाला है 3 आलू ग्रेट करके, ये पहला आलू था तो तोड़ के नहीं ग्रेट करके ही डालिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये दूसरा आलू, और ये तीसरा, तो जब ये थोड़ा हाथ में पहले थोड़ा तेल लगाया मैंने और इसे पूरा ठंडा नहीं करना है, लेकिन इतना गर्म भी नहीं कि आप हाथ लगाइए तो आपको ये गर्म लगे आप गूंद ना पाएँ, उतना गर्म होना चाहिए जितना आप गूंद सकें। फिर इसे अच्छे से गूंदिए, अच्छे से गूंदने का मतलब है बिल्कुल मिक्स कर देना है आलू और सूजी को, और थोड़ा सा हाथ को फिर से तेल से ग्रीस करके इस तरह से आप बनाइए गोल सा बड़ा सा डो की तरह गूंद लीजिए। फिर यहाँ पर चकली और बेलन पर मैंने तेल लगाया है और यहाँ पर मैं उसे बेलने वाली हूँ, और अगर ग्रीस कर लेंगे आप तो ये चिपकेगा नहीं, तो इसे 3 भाग में बांट लिया मैंने। और अभी मैं आपके सामने में 2 तरह के शेप इसके दिखा रही हूँ, आपको जो पसंद हो या फिर आपको और भी कोई और शेप देने का मन हो तो आप उसी तरह से इसे बनाएं। सबसे पहले मैं किनारे से बिल्कुल निकाल दे रही हूँ ताकि बिल्कुल ये स्क्वायर में इसे बना सकूँ। इस तरह से इसके शेप दिए हैं मैंने और थोड़ा सा इसे चारों तरफ से और थिक कर रही हूँ और शेप में ला रही हूँ, तो ये है। अब एक और बना के आपको दिखा रही हूँ, इसी तरह से बड़ा सा लिया है और कितना थिक होना चाहिए वो भी आप देख लें, ध्यान देखें। अब यहाँ पे मैंने ये मसालेदानी में जो होता है कटोरियाँ होती हैं उसी को मैंने ग्रीस किया तेल से चारों तरफ से और इस तरह से गोल गोल सा निकाला है, तो देखिए दोनों ही शेप जो है बहुत अच्छा लग रहा है। तो तेल गरम हो गया, उसके बाद फिर मैंने मीडियम फ्लेम पर इसे मैं फ्राई कर रही हूँ, तो थोड़ी देर में इसे पलटना है और आप इसे इसी तरह से पलटते रहें जब तक कि ये बिल्कुल गोल्डन ना हो जाए। थोड़ी थोड़ी देर में जब आप इसे पलटेंगे देखिए बिल्कुल ये गोल्डन हो चुका है। तो ये आलू और सूजी से बना हुआ ये स्नैक सबको घर में बहुत पसंद आएगा, एक बार बना के तो देखें।
जब भी आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो स्क्वायर शेप वाला जो था वो भी मैंने इसी तरह से फ्राई कर दिया। शेप कोई भी दें, बनाएं इसे ज़रूर। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखने के लिए धन्यवाद।